कटनी में कल्लू आदिवासी की जंगल में मौत का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। बड़वारा वन क्षेत्र में हुए हादसे पर वन विभाग की लापरवाही सामने आई है। विधायक विजय राघवेंद्र सिंह ने वन विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी और कर्मचारियों की मिलीभगत से वन्य प्राणियों का शिकार किया जाता है, जिसमें इंसानों की भी जान जा रही है। 6 नवंबर को बड़वारा वन परिक्षेत्र के गुड़ाकला इलाके में एक आदिवासी के करंट की चपेट में आने से मौत हो गई थी। बताया जाता है कि कल्लू आदिवासी किसी काम से जंगल गया था, जहां शिकारियों ने वन्य जीवों के शिकार के लिए करंट बिछा कर रखा था, जिसकी चपेट में कल्लू आदिवासी आ गया और करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कल्लू की मौत के 2 दिन बाद उसके शव को बरामद किया गया है। इलाके की विधायक विजय राघवेंद्र सिंह वन विभाग से खासे नाराज नजर आए। उन्होंने सीधे तौर पर वन अमले पर आरोप लगाते हुए कहा कि अमले के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से वन्य प्राणियों का शिकार किया जाता है, जिसमें इंसानों को भी जान का खतरा बना रहता है। ये जो घटना घटी है बड़ी दुखदायी घटना है और उसके परिवार पर बहुत बड़ी क्षति पहुंची है, जो कि कालू नाम का व्यक्ति वहां पर करंट में फंस गया और आदिवासी है वो, और इनके साथ में एक कार्रवाई होनी चाहिए, जिसमें लापरवाही मैं तो मानता हूँ कि फॉरेस्ट विभाग की है, जो यहाँ मुख्यालय में रहते हुए भी क्षेत्र की कोई देखरेख नहीं कर पा रहे हैं। और इसमें ये भर नहीं है, आपसे बता दें कि रेता का भी फॉरेस्ट से बहुत ज़्यादा उठाव हो रहा है। ये संज्ञान में मेरी जानकारी में आ रही है कि फॉरेस्ट के द्वारा लापरवाही या मिली भगत से इनके द्वारा ये अंजाम दिया जा रहा है, और इन पर जो दोषी पाए जाए इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि वन विभाग की मिलीभगत से जंगल में रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है, जिसके लिए वन अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे इस मामले को ऊपर तक ले जाएंगे ताकि दोषी वन कर्मियों को सजा दिला सके। हैरानी की बात यह है कि बड़वारा वन परिक्षेत्र के डिप्टी रेंजर करण सिंह को इस पूरे मामले की जानकारी ही नहीं है। इससे साफ नजर आता है कि जिम्मेदार वन अधिकारी कर्मचारी वन प्राणियों की सुरक्षा को लेकर कितने गंभीर हैं। इससे पहले भी डिप्टी रेंजर ने वन प्राणियों की मौत को सामान्य घटना बताया था। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।